समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार जो काम एनआरसी से नहीं कर पाई वह अब एनपीआर से करने जा रही। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जाति जनगणना कराने में सरकार को दिक्कत क्यों है। एनपीआर में कई ऐसे बिंदु लाए गए हैं जिनके कागज मिलेंगे ही नहीं। ये जो काम एनआरसी नहीं कर पाए हैं वो एनपीआर से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों के दौरान लोगों की जान जाने का कारण मुख्यमंत्री की भाषा है। मुख्यमंत्री के ठोको बोलने का यह परिणाम है कि कई वीडियो आए हैं जिसमें पुलिस ने नुकसान किया है। भाजपा सरकार अपने मुद्दे पर विफल है तभी ऐसा कर रही है। अखिलेश ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, हिंदू मुस्लिम एकता से यह सरकार डरी हुई है, जनता पर अपराधी होने का आरोप लगा रही है, गरीब लोगों की संपत्ति जब्त करना चाह रही है, लोगों के पहनावे पर टिप्पणी कर रही है, नागरिकों से बदला लेने की धमकी दे रही, लेकिन सरकार यह बताए कि पुलिस की बर्बरता की जांच कब होगी।